तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं इफ फॉर्मूला। लेकिन मैं इफ फॉर्मूला एक्सेल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में इफ फॉर्मूला का क्या रोल है। देखिए मैंने एक फॉर्म बनाया था आपके सामने कि मैं यहाँ पे मान लीजिए कि नेम दिया पूजा, मैं यहाँ पे दिया सिंह, ईमेल आईडी दे दी मैंने मान लीजिए आईपीटी delhi@gmail.com, पासवर्ड हमने यहाँ पे डाल दिया, पासवर्ड नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने कस्टम फॉर्मेटिंग वाला टॉपिक जो आपको बताया था वो फाइल नहीं है। नहीं है, है लेकिन इसमें टेक्स्ट फॉर्मेट में इंक्लूड करना है। हमने इसको एक्सेप्ट किया और यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ कंफर्म होता है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे हमारा डेटा सॉरी एंट्री हो गया। एंट्री कहाँ हुआ? नहीं हुआ डेटा। कुछ प्रॉब्लम है देखते हैं। ये आपने गलत दिया हुआ है लग रहा है। मैंने जो फाइल शेयर करी थी उसमें तो सही लगा था, आई थिंक आपने दूसरी फाइल डाउनलोड कर दी है। मैंने इसमें थोड़ी चेंजिंग भी किया था ना सर, फिर फॉर्म पे आता हूँ। सर मैं इसी फॉर्म की बात कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे किया पूजा, यहाँ पे किया सिटी मान लीजिए दिल्ली और यहाँ पे हमने अमाउंट दे दिया। मैं इसे सेंड करता हूँ, हैव अ सेम डेटा कर देता है और मेरे डेटा शीट में चला जाता है। मैं चाहता हूँ जैसे मैं इस पे क्लिक करूँ तो कभी कभी क्या होता है कि हमने पूजा किया और गलती से क्लिक हो गया, तो क्लिक हो गया तो गड़बड़ हो जाता है। क्यों गड़बड़ हो गया? क्योंकि इसमें अगर ऐसा हुआ तो डेटा हमारा इस पे क्लिक हुआ तो सिर्फ पूजा सेंड हो जाएगा क्योंकि गलत हो जाएगी ना सर। हम चाहते हैं कि मुझसे पहले कन्फर्मेशन मांगे, मैं कन्फर्म क्लिक करूं तो यस करूं तो सेंड करे, यस ना करूं नो करो तो उस डेटा को सेंड ना करें। तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें एक मैसेज बॉक्स देना होगा। जैसे हमने यहाँ पे दिया डिम ए एज ए वेरिएंट और यहाँ ए पी दिया एस जी बॉक्स, इसमें लिखा डू यू वांट टू सेम और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाता है। अब आता है कि बटन्स क्या चाहिए आपको, तो बटन्स में मैंने यहाँ दे दिया वीवी यस एंड नो, टाइटल्स यहाँ दे दिया प्लीज कंफर्म। इससे क्या होगा जब ये रन होगा, मैं एक बार यहाँ एंड लिख देता हूँ ताकि कोड यहीं तक चलेगा, तो ये आपसे पूछेगा Do you want to save? अगर मैंने यस पे क्लिक किया तो ए के ऊपर वीवी यस स्टोर करेगा, नो पे क्लिक किया तो वीवी नो करेगा। तो अब
मुझे यहाँ पे कंडीशन देना है कि अगर ए के ऊपर VVS स्टोर हुआ तो इस सारे कोड को रन करना है, अदरवाइज माइक्रो से एग्जिट हो जाना है। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम है कि हम ये चाहते हैं कि हमारा माइक्रो तभी वर्क हो जब मैसेज बॉक्स के यस पे क्लिक। यहां हम कंडीशन देंगे कि इफ ए इक्वल टू बीवी नो दैट एग्जिट फंक्शन। एक फॉर्मूला लगा, क्या लगा? सिंगल इफ सिंगल कंडीशन, समझे? मतलब कि हमने सिंगल कंडीशन दिया और हमारा सिंगल वर्क, एग्जिट फंक्शन नहीं होगा, एग्जिट सब होगा सर। तो अब क्या होगा कि जैसे मैं सेंड पे क्लिक करूंगा डू वांट टू सेव, हम बोलेंगे नो तो कुछ नहीं करेगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पे मैं ओम लिख दिया, यहाँ पे सिटी में मान लीजिए मैं दिल्ली लिख देता हूँ, दिल्ली, और अमाउंट हम यहाँ पे डाल देते हैं। अब मैं इस सेंड पे क्लिक हुआ, अब मैं यस पे क्लिक करूंगा तो डेटा डालेगा, अगर मैं नो पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे डेटा नहीं डाला। अब मैं यहाँ पे यस पे क्लिक कर दिया तो देखिए इसने डेटा 789 ओम। तो सिंग आपके पास क्या होगा, यहाँ पे सिंगल कंडीशंस और सिंगल रिजल्ट आप दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? सिंगल कंडीशंस एंड सिंगल रिजल्ट। समझ में आया सर? अब सेठ जी कोई डाउट? नहीं सर। क्या है? अब क्या मैं अगला क्वेश्चन आता है कि इसमें आगे हम क्या कर सकते हैं। अब दूसरा चीज है कि भाई नेम ब्लैंक नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? नेम ब्लैंक नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम कंडीशन दें यहां पे एक और यहां पे देंगे, इफ रेंज B3 डॉट वैल्यू इक्वल टू 0 दैन। अब यहां पे मेरे पास रिजल्ट कंडीशन तो एक है पर रिजल्ट दो है। दो रिजल्ट मतलब कि मैं एक नेम ब्लैंक ना हो इसका एक मैसेज भी देना चाहता हूं, क्योंकि क्लिक करते जाएगा कुछ इवेंट भी होगा तो कंफ्यूजन होगी ना सर। तो हम यहां उस कंफ्यूजन को दूर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तभी नेम जो है ब्लैंक हो तो एक मैसेज दे और इस माइक्रो को प्रोसीजर ना करने दे, मतलब कि एग्जिट सब हो। तो इसलिए हम इसको तोड़ के नीचे आए और यहां लिखेंगे MST box meet fill name, ठीक है? और फिर यहां पे exit sub लगाना जरूरी है, क्योंकि exit sub ना लगाएंगे तो मैसेज देने के बाद भी ये आपके बाकी प्रोग्राम को रन करेगा, इसलिए exit sub जरूरी है। अब हमने if स्टार्ट किया है और एंटर मार के हमने लाइन में लाइन दो लाइन का प्रोग्राम यहां लिखा, तो मुझे यहां पे एंड इफ करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए दोनों में डिफरेंस आपको पता चलेगा। ऊपर वाला क्या है कि आपका सिंगल कंडीशन और सिंगल रिजल्ट, राइट सर? बट दूसरा क्या है, सिंगल रिजल्ट एंड मल्टीपल कंडीशंस। बात समझ गए? सिंगल रिजल्ट्स एंड मल्टीपल कंडीशन होगा तो दैन करके एंटर मार के आपने मल्टीपल कंडीशन को लिखे और लास्ट में फिर एंड इफ लगा दो। क्लियर है सेठ जी? और अगर मेरे को दो जैसे आपने अभी एक सेल का बताया है, और अगर मेरे को दो सेल डिक्लेयर करनी हो कि ये दोनों ब्लैंक नहीं रहनी चाहिए तो उसके लिए फिर आप बता रहा हूँ अभी सिंगल कंडीशन वन बाय वन चल रहे हैं सर। अच्छा, अगर सेंड पे क्लिक करूंगा तो पूछेगा डू आई टू सेव, मैंने यस कर दिया, तो ये बोलेगा प्लीज फिल द नेम। अब यहां पे डू वांट टू सेव आ गया, ये नहीं, इसको नीचे कर दे। क्यों? मैं चाहता हूं इसको लास्ट में। डू वांट टू सेव आ गया मतलब कि हमने सबको सही फिल किया है, इसी फॉर्म में होता है। अब मैं चाहता हूं कि सिटी और अमाउंट भी ब्लैंक नहीं होने चाहिए, ठीक है? जैसे आपने बोला कि दो कंडीशन है, तो मुझे यहां पर इफ लगेगा कि इफ रेंज
चेंज हमने बोला दी फाइल डॉट वैल्यू इज इक्वल टू जीरो और क्योंकि मुझे इसमें से और इसलिए लगा रहा हूं कि अगर दोनों में से कोई ब्लैंक हो तो मेरा मैक्रो सेव ना करे, तो हमने दोनों में और लगा दिया बी ए इक्वल टू ब्लैंक जीरो। मल्टीपल कंडीशंस के लिए इस तरह से आप एंड का इस्तेमाल करेंगे, राइट सर? राइट सर, मतलब लॉजिक वही रहेगा और एंड का कि अगर हमें दोनों को मैंडेट करना है तो हम एंड लगा देंगे और दोनों में से कोई एक करना है तो और, जैसा हम एक्सेल में यूज करते हैं। जी हाँ सही। और यहाँ पे दे दीजिए मैसेज एमएसजी बॉक्स प्लीज फिल और नाउ और फिर यहाँ पे एग्जिट सब। अब मुझे यहाँ पे बिटवीन देना है, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो अमाउंट है वो अमाउंट जो है वो 50 से लेके 500 के बीच में, ना उससे ज्यादा और ना उससे कम। तो क्या करेंगे हम, सेम कंडीशंस को लेता हूं मैं और यहां पे मैं दे देता हूं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 50 और यहां पे लगाएंगे एंड, क्योंकि मेनरेट है मतलब कि ये हमारा ऑप्शनल नहीं है, बिटवीन है। और हमने लिखा प्लीज फिल अमाउंट 50 to 5, ठीक है सर? अब एक और कंडीशन चाहता हूं कि मेरे पास दो डेटा है, दो डेटा है दो डेटा है इन डेटा है इसी को दो डेटा कर देता हूं, मेरे पास दो डेटा है ए हमारा डी टी। अब मैं चाहता हूं कि मुझसे पूछे कि आप जो है डेटा में सेव करना चाहते हैं या डी टी में सेव करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि यू वांट टू सेव इन डी टी, अगर डी टी में करेंगे तो सेव होगा, नहीं तो डेटा में चला जाएगा, समझे? यहां पे हम देंगे इफ मैं दूंगा, मैं यहां पे फिर एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा। अब एक साथ में दो वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूं कॉमा लगा, तो यहां पे हमने ए और हमने यहां पे बी दे दिया और फिर यहां हमने लिखा बी इक्वल टू ये मैसेज का बॉक्स का जो है ना इसको ये नीचे करना पड़ेगा। और यहां पे फिर मैं देता हूं बी इक्वल टू एम एस जी बॉक्स और यहां मैं बोलिए सर आवाज ब्रेक हो रही है आपकी, तो स्वाद से आवाज आ रही है आपको? तो आवाज आ रही है अभी आपको मेरी? हाँ सर अब आ रही है। एम एस जी बॉक्स और यहां पे हमने लिख दिया कि प्लीज वांट टू सेव इन डी टी। अब मैं इसको करता हूं वीवी यस एंड नो, ठीक है? अब यहां पे कंडीशन देता हूं कि इफ यहां ये सब हो गया तो माइनस बता देता हूं, अब या इफ बी इक्वल टू VVS नहीं सर VV no आपकी जगह VV no that
और फिर यहाँ पे मैं इसको एल्स करता हूँ। इसमें अवेल्स मतलब कि दो कंडीशन लगा रहे हैं, दो कंडीशन लगा रहे हैं। तो इसको पूरे एरिया को मैं यहां से कॉपी करके नीचे जाता हूं, एक स्पीड के जगह पे डीटी कर देता हूं, डीटी डीटी और यहां पे देता हूं इन और यहां पे देता हूं इन, ऐसे मेथड आप लिख सकते हैं। इसमें बहुत सारे हमने रिलेशन लगा दिए। अब एल्स देख लीजिए, यहां पे एल्स मतलब हुआ कि अगर वीवी नो हुआ तो इस कोड को प्रोसेस करेगा और वीवी यस हुआ तो इस कोड को प्रोसेस करेगा। लास्ट में हम कर देंगे एंड और इसके बीच में हम एल्स लगाते हैं, मतलब कि इफ जब टाइप होता है तो उसके दो पार्ट होते हैं। तो ये पार्ट पहला कंडीशन होता है, देन उसके बाद ट्रू पार्ट, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो क्या चले, और एल्स मतलब कि कंडीशन फॉल्स हुआ तो क्या चले। क्लियर है? अब मैं इसको रन करता हूं। इसे मान के मैं इसको ब्लैंक कर देता हूं, प्लीज फिल अमाउंट दिखा। चलो मैं यहाँ पे हम सिटी में पुणे लिख देता हूं, क्या बोलेगा प्लीज फिल अमाउंट 50 to 500। सर क्योंकि क्योंकि हमने कोड में, अच्छा ठीक है हाँ आगे ना, हमने हमने यहाँ पे 45 किया हुआ था ना इस पे। अच्छा हाँ हाँ, हमने भी तो लगाया था कि अमाउंट 500 50 टू 500 के बीच होना चाहिए, आ रहा ना प्लीज फिल अमाउंट 50 टू 500। हमने यहाँ पे 65 कर दिया तो पूछेगा डू वांट टू सेव। ये सर इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने सिटी में है ना, मतलब सिटी का रेफरेंस ले लिया उसमें अमाउंट वाले कोड में। माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। यहाँ पे मैं 45 करता हूँ, क्यों सेव कर रहा है? 45 B8 है ना, हाँ 45% हो गया उसमें। अच्छा यहाँ B8 है, मैंने बोला कि B8.value is greater than 500 and less than 500। अच्छा यहाँ पे हमें डॉट वैल्यू नहीं लगाया शायद इसीलिए ऐसी प्रॉब्लम है। मैं दोबारा टाइप करता हूँ पूजा, यहाँ पे 45 अभी भी हो रहा है। डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड B8 इज लेस देन इक्वल टू 500। ओ हमें इसको एल्स में लगाना था, ये हमारा कंडीशन जो है उल्टा कंडीशन हो गया, इसको एल्स में लगाना चाहिए। और एक कंडीशन हो गया ना सर कि तब वर्क ना करे, हमने तो कंडीशन डाल दिया कि वो तो एक्सेप्ट करना है, ऐसा ना हो तो एक्सेप्ट नहीं करना। अब देखिए अब आ गया ना, और जैसे मैं यहाँ पे 990 डाल दिया देन मुझसे पूछेगा डू वांट टू सेव, यस डू वांट टू इन सेव डीटी, यस डेटा सेव इन डीटी।
यहाँ देखिए मीटिंग में सेव हो गया। इसमें आपको क्या दिक्कत लग रही है, कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है बताइए। चीज़ हो गया कि जरूरी नहीं है कि पार्ट टू पार्ट या फॉल्स पार्ट में हमें अपना कंडीशन देना ही है, ठीक है, अपनी मैंने रिजल्ट देना ही है, रिजल्ट नहीं भी दे सकते। हेलो, आप अभिषेक जी बोलिए, सुन रहा हूँ। हाँ सर, क्या बताया आपने, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी। आवाज ही मेरी आवाज आ रही है आपको? नो रिस्पॉन्स, पता नहीं क्यों वॉइस मेरे एंड से सबसे सही है सर। नहीं सर, ये मैसेज आया है, माय माइक्रोफोन इज नॉट वर्किंग। ये आपके आम के एंड से मैसेज आया है, आपका वर्किंग नहीं है। नहीं नहीं, ये सुहास का मैसेज आया है। अच्छा अच्छा, हाँ ये ही सुन पा रहे हैं सर, नए एंड से भी दिक्कत नहीं है, वो आपकी इंटरनेट हो सकती है स्लो हो गई। हाँ नहीं, अब आवाज आ रही है सर।